हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मैंने आज बनाया है स्वेटर, स्टाइलिश स्वेटर है ये। मात्र 100 ग्राम ऊन में ये रेडी हो गया है। तो मैंने बटन लगाए हुए हैं इसमें काले कलर के, और ये यहाँ से साइड से खुला रहेगा इस तरीके से, देखिए। तो बने रहिए मेरे चैनल पर और देखिए मैंने कैसे बनाया है यह स्वेटर। देखिए ऐसे आएगा। ये 1.5 साल के बच्चे के आराम से आ जाएगा। ये मैंने लगा दिया है इसमें। इसकी वीडियो मैंने नहीं डाली है और मैं डालूँगी। अब मेरे चैनल पर देख लीजिए। देखिए मैंने इसमें 73 फंदे डाले हैं, 70 और 3। मैंने बॉर्डर बना लिया है 8 सिलाइयों का उल्टा। तो अब मैं क्या करूँगी, 7 फंदे उल्टे बुनूँगी। सात फंदे हो गए मेरे। अब मैं जाली बनाऊँगी, 11 फंदे लूँगी यहाँ पे, 2, 3। पहले जाली बनाइए, फिर 11 फंदे लूँगी। 11 फंदे लेने के बाद मैं बताऊँगी। ग्यारह फंदे ले लिए, फिर जाली बनाऊँगी, 3 फंदे लूँगी जाली के समय। 3 फंदे, 3 फंदे ले लिए। अब मैं यहाँ पे 11 फंदा लूँगी, पहले जाली बनाऊँगी। मैं 11 फंदा ले लूँगी, ये 11 फंदे हो गए। फिर जाली बनाऊँगी, 3 फंदे लूँगी जाली के समेत। 3 फंदे ले लिए। अब यहाँ पर लूँगी मैं 17 फंदे। पहले जाली बनाऊँगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 17 फंदे हो गए। अब मैं 3 फंदे फिर लूँगी, पहले जाली बनाऊँगी। जाली बना ले, 2, 3, 3 फंदे ले लिए। अब मैं जाली बनाऊंगी, 18 फंदा इधर है हमारे, 18 फंदे हैं ये। तो पहले जाली बना ली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 फंदा ये ले लिए, 7 फंदे हमारे रह गए। अब पहले जाली बनाऊंगी, फिर अब मैं उल्टे बुनूंगी। ये 7 फंदे हमारे उल्टे रहेंगे, बटन पट्टी वाले। अब उल्टी सिलाई सिंपल निकालेंगे। देखिए मैं उल्टी सिलाई निकाल ली है। अब क्या करूंगी, बटन पट्टी के 7 फंदे उल्टे बुनूंगी। सात फंदे के बाद एक जाली बनाऊंगी। अब जाली के ऊपर जाली बनेगी और ये जो हमारे 11 थे उसके ऊपर सीधे ही बनाऊंगी, और जो 3 फंदे थे जाली के ऊपर जाली पड़ेगी उनमें साइड से। देखिए 3 फंदे आ गए। तो पहले जाली बनाएंगे, अब जाली के ऊपर जाली बनेगी, इधर जाली बनेगी। अब इसी तरीके से हम 20, मतलब हर जाली पे 20 जाली बनाएंगे, 20-20 जाली बनाएंगे।
देखिए फिर जाली बनाऊंगी। अब जाली के ऊपर जाली बनेगी, इसी तरीके से हम 20-20 जाली बनाएंगे, हर जाली पे 20 जाली। अब ये 7 फंदे, पहले जाली बनाएंगे, फिर एक जाली वाला हो गया, एक ये 6 फंदे हम ले लेंगे उल्टे। मैं यहाँ होल भी बना सकते हैं आप, मैं नहीं बना रही हूँ ऐसे गठा के फंदे, ऐसे बता रही हूँ कि एक होल बना सकते हैं बटन के लिए, लेकिन मैंने नहीं बनाया। अब ये हमारी सिलाई उल्टी निकलेगी। देखिए मैंने 20 जाली बना ली है, 20-20, हर जाली पे 20 जाली है। देखिए इस तरीके से ये हमारी 20 जाली है। अब देखिए मैं क्या करूंगी, बटन पट्टी तो हमारी उल्टी रहेगी, सात फंदे ले लिए। अब जाली हमारे अब बंद कर देंगे जाली को, और ये सीधे फंदे ले रही हूँ, ये फ्रंट साइड है, मैंने ले लिए सीधे फंदे। अब क्या करूँगी, जो मेरे बाजू वाले फंदे थे 11 जो फंदे लिए थे, उनको मैं उल्टा बनूँगी यहाँ से। देखिए इस तरीके से बाजू को हम उल्टा बनेंगे। छह सिलाई हमें उल्टी बाजू पर निकालनी है, और फ्रंट वाले और बैक साइड वाले फंदे हमारे सीधे रहेंगे, यहाँ तक मैं उल्टी बुन लूँगी। ये बाजू है, देखिए मैंने बुन लिए। अब दूसरी वाली बाजू आ गई हमारी, नहीं सॉरी बैक साइड है, ये उल्टे बनेंगे। ये फ्रेंड है, ये बैक साइड है, ये सीधे बनूंगी। ये बच्चे की पीठ होती है ना, वो चीज है। यहां तक मैं सीधे बनूंगी, फिर बाजू आ जाएगी, बाजू पे मैं उल्टे लूंगी। जो बटन पट्टी वाले हैं वो तो उल्टे रहेंगे ही, यहाँ तक उल्टे फिर ले लूंगी। देखिए मैंने बुन लिए, अब मैं उल्टे लूंगी, ये बाजू आ गई। जब बनाने बैठ जाओगे ना तो अपने आप आ जाएगा। उसकी पेंटिंग बोर्ड वाले
देखिए मैंने उल्टे बुन लिए। अब मैंने 6 सिलाई निकालनी है, बाजू उल्टी है और बैक साइड और फ्रंट साइड सीधे बुने हैं और बटन पट्टी उल्टी बुनी है। ये बटन पट्टी है, 7 फंदे ले लूँगी उल्टे। ये सीधे लूंगी, यहाँ तक सीधे हैं। फिर बताती हूँ क्या करना है। मैंने सीधे ले लिए, अब आ गई बाजू। अब मैं क्या करूँगी, जो हमने उल्टे फंदे लिए थे बाजू वाले, उन्हें मैं उतार दूंगी। देखिए इस तरीके से, ये मैंने उतार दूंगी। देखिए देखिए मैंने उतार दी बाजू, देखिए इस तरीके से ये आएगी। अब ये आ गए, बैक साइड आ गई हमारी, एक बाजू उतर गई। अब मैं सीधे फंदे ले लूँगी, इसी तरीके से दूसरी वाली बाजुओं को उतार देंगे। यहां से जॉइंट कर देंगे अगली सिलाई पर। देखिए अब दूसरी वाली बाजू आ गई, अब इसे भी उतार दूंगी मैं यहां तक। 7 फंदे छोड़ के बाकी फंदे सब उतार दूंगी। यहाँ तक उतार दूंगी, देखिए मैंने उतार दी। अब इस तरीके से ये आएगी। जो मेरे 7 फंदे थे बटन पट्टी वाले, वो मैंने रखे हैं और बाजू वाले उतार दी। अब मैं यहाँ से बुन लूंगी। अब हमें सारे फंदे एक साथ बुन लेंगे, इन्हें लेके एक साथ मिल लेंगे, फ्रंट साइड बैक साइड और बटन पट्टी। देखिए अब यहाँ से हम बना लेंगे, एक साथ बना लेंगे सब फंदों को। देखिए इस तरीके से ये आएगा। देखिए कुछ नहीं है, बहुत सरल है, आ जाएगा। अब बना कर देखिए एक बार। अब हम एक साथ सब फंदों को बुनेंगे।
ये बटन पट्टी ए जॉइंट कर लिए मैंने। ये देखिए इस तरीके से, देखिए मैंने इतना कर लिया, दूसरा निकाल लिए और जॉइंट कर दी बाजू, देखिए ऐसे आए। अब हम इसकी लंबाई बोल लेंगे, जितनी बच्चे की आप लंबाई रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप बोल लीजिए। देखिए लंबाई आप बोल लीजिए कितना छोटा या बड़ा करना चाहते हैं। देखिए मैंने इस तरीके से बनाया है, ये 1 साल से लेके 1.5 साल तक के बच्चे के आराम से आ जाएगा। ये मैंने बॉर्डर बना लिया है नीचे 6 सलाइयों का, ये देखिए इस तरीके से आया है, यहाँ से इतना बुना है मैंने। ये हमारी बाजू हो गई, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मात्र 2 दिन में मैंने बना दिया इसे 100 ग्राम ऊन में। देखिए ये मैंने बादल बनाया है, इसका लिंक अपने चैनल पर दे दूंगी, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। ये मैं सुई की मदद से यहाँ सिल दूंगी, अभी सिल के बताऊंगी। देखिए बच्चों को ऐसे स्वेटर बहुत पसंद आते हैं। देखिए मैं इस तरीके से सिल दूंगी। सफ़ेद धागा से मतलब ऊन से सिल देना। आप भी ऐसे बनाइए, अपने बच्चों को पहनाइए, बहुत सुंदर लगते हैं ऐसे स्वेटर। इसी तरीके से सिल दूंगी मैं। अब देखिए मैं ये बूंदे बना रही हूँ, काले कलर की ऊन ली है मैंने, देखिए किस तरीके से मैंने बनाई है ये। तीन फली छोड़ के चौथी फली में मैंने सुई की मदद से बनाया है, देखिए इस तरीके से। आप फली गिन लीजिए 1 2 3 करके और बना लीजिए। देखिए 2 फली
ऊपर दो फली छोड़ के ऊपर डालना है धागा, फिर हमें उसी की बराबरी में नीचे ले जाना है। देखिए इस तरीके से एक दो तीन चौथी फरी में बनाना है। ऐसे तिकोना बनाना है हमें, नीचे की तरफ लाना है। हल्के हाथ से बनाना, जोर से मत खींचना क्योंकि धागा बहुत खिंच जाता है। खराब हो जाएगा ज़्यादा खींचने से। देखिए बन गई, ऐसे करके बनाना है, गिन गिन के बनाना है। देखिए इस तरीके से आएगा ये। थैंक यू।